Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। इन बीसीएन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन बीसीएन के स्टूडियो में हम हर सप्ताह एक ऐसे शख्सियत को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हमने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की समीक्षा आशीष जैन को। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल कर इस देश का नाम रोशन किया है, वो भी मात्र 11 साल की उम्र में। समीक्षा, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने समीक्षा के खास पेरेंट्स को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है ताकि ये इंटरव्यू जो है हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो इससे इंस्पायर हो, वो इनसे जाने कि जब आपकी बेटी में बहुत काबिलियत होती है तो उसको किस तरह से जो पेरेंट्स होते हैं वो बढ़ावा देते हैं ताकि उनके अंदर के जो हुनर है, टैलेंट है, वो बाहर आ सके और इस कदर बाहर आ सके कि उसके हुनर को, उसके जज्बे को सारी दुनिया सलाम करे। समीक्षा, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम समीक्षा जैन, स्टडिंग इन क्लास 7 एंड आई हैव मेड इट इंडिया, एशिया एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। समीक्षा, सबसे पहले बताइए कि ये रील बनाने का जो चस्का है आपको कैसे लगा? सबसे पहले एक्चुअली हमने मेरा यूट्यूब चैनल खोला था, उसमें मैंने पहले कुकिंग के वीडियोस डाले, देन डांस के वीडियोस डाले, देन एक्टिंग के वीडियोस डाले एंड मुझे एक्टिंग में कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो फिर हमने इंस्टाग्राम में रील्स बनाई, फिर मैंने इंस्टाग्राम में रील्स बना के एंड उसमें मेरे कुछ लाइक 10,000 के आसपास भी व्यूज़ आए थे। तो फिर हमने एक इनोवेटिव आइडिया सोचा कि क्यों ना हम इसी सिलसिले में एक इंडिया एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सो या आई डिड इट। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मात्र 9 मिनट 57 सेकंड में 65 रील बनाना शायद हम जैसे बड़ों के भी बस की बात नहीं है। और ऐसे समय में 9 मिनट 57 सेकंड में 65 रील बनाकर इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम करना शायद हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पर समीक्षा के पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं। आशीष सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ पेरेंट, आपकी बेटी जब इस तरह का रील बना रही थी तब स्टार्टिंग में आपको कैसा लगा? पहले मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उससे, उसका फेस का एक्सप्रेशन जो था वो बहुत ही कमाल के हैं और इससे हमको मोटिवेट हुआ कि चलो कि बच्ची की अगर इतना इंटरेस्ट है तो क्यों ना उसको आगे बढ़ावा दिया जाए। उसी हिसाब से हमने उसको आगे बढ़ावा देना चालू किए और उस पर वो इंस्पायर होते हुए फिर उसके मेंटर टीचर जो आरती खंडवाल जी अपने लाइफ में आई, अपनी वाइफ से परिचित हुई वो, उन्होंने फिर समीक्षा को आगे करते हुए इस कारोबार को अपन आगे बढ़ाया और होते होते आज मैं आई प्राउड टू फील दैट कि आज मेरी बेटी जो है आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अपना नाम दर्ज करवा के हमको प्राउड फील करवाया उसने। जी हाँ, ये सही बात है कि ये एक दिन का काम तो नहीं लेकिन एक दिन आपकी बेटी ने आपको पूरे मशहूर करके रख दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ आपका जो विश्वास था। क्योंकि मैं कई बार हमने देखा है कि आजकल बच्चे जो रील बनाते हैं उसमें कई ऊटपटांग हरकतें जो है वो अपलोड करते हैं, लेकिन बीइंग अ पेरेंट आपने अपनी बेटी की प्रतिभा को समझा और आपने ये समझा कि वो रील में एक्चुअल क्या बना रही है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आपने अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। रानी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ मदर कैसा महसूस करती हैं आप? मदर तो बहुत प्राउड फील होता है मैम। एक्चुअली क्या होता है, मोबाइल यूज करते तो सभी पेरेंट्स को ही बोला जाता है कि आप मतलब बच्चों को मोबाइल कैसे यूज करने दिए, पर मुझे ये मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मेरे दोनों बच्चों ने कभी मोबाइल का मिस यूज किया। दोनों बच्चे हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम यूज करता है, लेकिन एक तो मुझे पता रहता है ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्लस मैंने इनको बोला कि तुम लोग गेम खेलने के बजाय तुमको जो आता है, जो हॉबीज है तुम्हारी, उसको देख के तुम बढ़ाना की कोशिश करो जी। और कोरोना काल में हम लोग का समय बहुत मिल गया कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस किए, प्लस हमने यूट्यूब वीडियोस देख के हमने अपनी जो हॉबी है उसको बढ़ाने की कोशिश की। प्लस समीक्षा का जब मैंने देखा, बेटा तो 9th चल रहा था तो मैंने उसको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर पाई, पर समीक्षा को जब मैंने देखा कि वो एक्टिंग डांसिंग बहुत अच्छा करती है, तो हमने बोला कि इस चीज की वीडियोस देख के या अपने चीजों को आगे बढ़ाया जाए, तो बस
उसको मैंने थोड़ा प्रोत्साहन दिया और जब उसने बनाने लगे यूट्यूब वीडियोस में लाइक्स वगैरह आने लगे तो उसने भी मुझे सही बोला कि मम्मा नहीं वीडियो ये गेम वेम खेलने की वजह मैं इसमें करूँगी तो मुझे बहुत टैलेंट मेरा बाहर आएगा, क्योंकि स्कूल बंद होने से क्या हो गया था, घर में बच्चों का टैलेंट जो था, बहुत टैलेंटेड बच्चे सभी हैं, लेकिन सब बच्चों का टैलेंट बहुत कम हो गया था, कहीं बंद के रह गए थे ये सारे बंद के रह गए। तो समीक्षा का क्या, टैलेंट स्कूल में तो है ही शुरू से ही, लेकिन उसका टैलेंट ये कोरोना काल में बस बंद नहीं हुआ, तो क्या निखरने में बहुत उसको समय नहीं लगा और उसने बहुत अच्छे से अपने चीजों को किया। समीक्षा वैसे ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताइए कि इन सारी चीजों का श्रेय आप किसे देती हैं। मैं इन सारी चीजों का श्रेय सबसे पहले मेरे माता पिता को देती हूँ, मेरे भाई को देती हूँ और मेरी मेंटर आरती मैम को देती हूँ। क्या बात है। समीक्षा, हमने सुना है कि बचपन से ही आपको डांसिंग और एक्टिंग का बहुत शौक रहा है, तो अगर आपको रील बनाने का मौका नहीं मिलेगा है ना, और सेकंड ऑप्शन में कुछ और फील्ड चूज करनी होगी, तो आप क्या चूज करेंगी? लाइक सेकंड ऑप्शन में मैं डांस चूज करूंगी एक्चुअली, बट देखो एक्टिंग में ही रील्स भी आ जाती है, रील्स में डांसिंग एक्टिंग वही सब कंसिस्ट होता है, तो डांस रील्स लाइक या आई चूज डांस लाइक आफ्टर डू द सेकंड ऑप्शन। वाओ ग्रेट। समीक्षा, हर कहते हैं कि हर किसी के सक्सेस के पीछे एक मोटिवेशनल गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है, न सिर्फ मोटिवेशनल गुरु बल्कि गुरु चाहे वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, स्कूल के टीचर्स भी हो सकते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप उनकी बातों से इंस्पायर होती है। तो आज एक 11 साल की बच्ची हमारे चैनल के माध्यम से आपकी उम्र के बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि सबके अंदर एक टैलेंट होता है, अब उस टैलेंट को आपको कैसे बाहर निकालना है वो आपके ऊपर है। सभी के अंदर टैलेंट होता है, जैसे मेरे अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, तो बस अपना टैलेंट ढूंढिए और उसे आगे ही बढ़ाइए एंड एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई है समीक्षा आशीष जैन, इनसे हम बात कर रही हैं मात्र 9 मिनट 57 सेकंड में 65 रील्स बनाकर रिकॉर्ड दर्ज करने वाली समीक्षा से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं समीक्षा आशीष जैन, साथ ही आशीष जैन और उनकी माता रानी जैन यहाँ पर समीक्षा के दोनों पेरेंट्स जो हैं वहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत सी बातों पर हम जो है बहुत से विषयों पर चर्चा चल रही है। समीक्षा, मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा, ये बताइए, नहीं समीक्षा को बता पूछने से पहले दर्शक समीक्षा तो अपनी ही बताएगी, अब उसके पेरेंट्स को मैं पूछती हूँ कि बीइंग अ पेरेंट्स, कई बार हम देखते हैं कि जैसे कि अभी कोरोना काल की बात की है, तो कोरोना काल में बच्चों ने जो है मोबाइल का यूज सबसे ज्यादा किया, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से हो। कई बार पेरेंट्स की शिकायत आती है कि मैडम हमारा बच्चा जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई की आड़ में उटपटांग चीजें वीडियो अपलोड कर देता है, किसी की एक्टिंग का वीडियो अपलोड करता है या फिर कुछ ना कुछ जो है वो गलत वे में नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है। ऐसे समय में जब आपकी बेटी रील्स बना रही थी, तब क्या स्टार्टिंग में कभी आपने उसे डांट फटकार नहीं लगा कि ये रील्स का चस्का कैसे क्या लग रहा है आपको? पहले पहले तो मैडम ये चीज हमको लगा था कि एक्चुअली रील्स बनाने का ये क्या लग गया, मोटो क्या है एक्चुअली। अच्छा, रील्स के बारे में हमारी नेगेटिविटी शुरू से थी, इसलिए थी कि इससे पहले हम टिकटॉक देख चुके थे, जो टिकटॉक आया था चाइना से इंडिया में वो काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन बहुत सारे उटपटांग रील्स टिकटॉक में बनते थे, उसी को देखते हुए हमने इसको पहले चेक करने की कोशिश किया कि रील्स किस टाइप का बना दिए। जहाँ कोरोना काल चल रहा था वहाँ पे बहुत लोगों ने अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चों को, कई लोगों को अपने रिलेटिव्स को खोते हुए देखा है,
तो हमारा मकसद यही था कि बेटा तू जब भी कोई रील्स बनाते हो तो आप इस टाइप से रील्स बनाइए ताकि कोई भी वो रील्स देखे तो उनमें एक खुशी की लहर पैदा हो, हैप्पीनेस स्प्रेड हो। तो अपना मकसद यही था और उसी हिसाब से फिर उसने भी रील्स बनाना शुरू किए कि जहाँ पे लोगों को वो हंसा सके, कुछ एक सुकून के पल दे सके, वही हिसाब से उसने रील्स बनाना शुरू किया और उसके हिसाब से ही हमने रील्स बनाते हुए उसमें आगे बढ़ती गई वो और बहुत अच्छा किया उसने आगे चल के। ये बताइए कि समीक्षा, जैसा कि आपने हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी जो है स्प्रेड करने का काम किया, तो कैसे कर लेती हैं आप वो भी इतनी कम उम्र में? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स भी रील बना पाते हैं, जैसे मैं रील बनाती हूँ मेरे फ्रेंड्स भी बनाते हैं, बट मैं सबसे हटकर कुछ हैप्पीनेस फैलाने के लिए रील्स बनाती हूँ। जैसे कि लाइक कुछ ऐसे फिल्म के डायलॉग्स जिसमें लोगों में हंसी, लाइक जो कोरोना काल में सभी इतने मिसाब सो रहे थे तो उसी में खुशी कहीं गायब हो गई थी, तो बस ये रील्स देख के मैं वही कोशिश कर रही थी कि सभी हंसे और अच्छे से रहे, बस यही मोटिव। समीक्षा एक दो एग्जांपल आप हमारे दर्शकों को बताएंगी तो बहुत अच्छा होगा कि किस टाइप के आपने रील जो है वो बनाए हैं। वैसे तो इंस्टा पे जरूर देखेंगे लेकिन बताइए आप। जैसे मैंने मूवी सीन्स लाइक जिसमें बहुत फनी सीन्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, लाइक कुछ जोक्स होते हैं जो बहुत आजकल फेमस हो रहे हैं, बस इसी तरह से कुछ कुछ ऐसी एग्जांपल्स थे बस। समीक्षा हमने सुना है कि हाल ही में आपको नागपुर के कलेक्टर डॉक्टर विपिन नेचरकर के हाथों अवार्ड मिला है, तो किस चीज़ के लिए ये अवार्ड मिला था? यह अवार्ड बस मुझे इसी चीज़ के लिए मिला था कि मैंने इंडिया एशिया एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो डॉक्टर विपिन नेचरकर सर ने मुझे फैसिलिटेट किया था। एंड ये चीज़ हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन हुई थी जिसमें हमारी स्कूल हिलफोर्ड पब्लिक स्कूल ने मुझे फैसिलिटेट किया था, सो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर विपिन नेचरकर सर एंड माई स्कूल फॉर फैसिलिटेटिंग मी रियली नाइसली। समीक्षा ये बताइए कि आपको आपके मोटिवेशनल स्पीकर का किस तरह से सहयोग मिलता रहा है? मेरे मोटिवेशनल स्पीकर्स मेरी मैम, मेरे पापा, मेरी मम्मा थे, उन्होंने मुझे हर तरफ, जब भी मैं थोड़ी सी डिप्रेस फील करती थी कि मैं कैसे करूँगी, कैसे इनको लर्न करूँगी, तभी मेरे पापा मम्मी मेरी मैम मुझे समझाते थे कि नहीं, यू कैन डू इट एंड कुछ कुछ ऐसे ही एब्रिविएशंस दे के मुझे गाइड करते रहते थे एंड उन्हीं की वजह से आज मैंने इतनी अच्छी सक्सेस प्राप्त की है, सो थैंक यू टू देम। समीक्षा आप मुझे बताइए कि ये रील के चक्कर में कहीं आपकी पढ़ाई तो मिस नहीं हो रही होती है? नहीं, मैं मेरी पढ़ाई एकदम सेपरेट रखती हूँ। अच्छा, रील्स एकदम सेपरेट, मतलब ये दोनों चीज़ों को आप अलग अलग रखती हैं? हाँ राइट, जैसे मैं स्कूल से आती हूँ तो मैं लाइक अपना लंच वगैरह करके देन मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं टीवी देखने के बजाय वही टाइम को स्पेंड करती हूँ रील्स बनाने में, हैप्पीनेस स्प्रेड करने में एंड फिर मेरा डेली शेड्यूल पढ़ाई चालू रहती है। मैम ये बताइए कि कभी कभी आपको चिढ़नी आती कि आपकी बेटी स्कूल से आ रही है और कंटिन्यू रील बना रही है, तो कभी ऐसा डांटने वाटने का मन तो नहीं करा आपको? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, ये अपने डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन से चलती है अपने पूरा लाइफ में। क्या बात है। हाँ, मुझे तो इसको बोलना पड़ता है कि बेटा थोड़ा पढ़ाई कम कर ले और कुछ हमारे लिए समय निकाल दे, इसके क्लासेस का भी जो ऑनलाइन क्लासेस करती है ये, आरती मैडम के साथ भी ऑनलाइन क्लासेस करती है, प्लस ये अपनी पढ़ाई का भी ऑनलाइन क्लास, इसका सब ऑनलाइन रहता है लगभग, ये सबको समय देते हुए अपना पढ़ाई भी कम्प्लीट कर लेती है, इसका होमवर्क कम्प्लीट करे भी ना तो रात को सोएगी ही नहीं। क्या बात है। और अपनी हर चीज़ों को अप टू डेट रखना, इसका डिसिप्लिन से चलने का, बस तो मुझे कहीं इसको बोलना नहीं पड़ता है। क्या बात है, बहुत पढ़ाई में हमेशा मतलब क्लास में नंबर वन ही आती है। अरे वाह, क्या बात है। समीक्षा ये बताइए कि आजकल के बच्चे जो हैं वो अब ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर कन्वर्ट हो गए हैं, इसके बावजूद मोबाइल के बहुत ज़्यादा मतलब एडिक्टेड हो चुके हैं, स्कूल से आए तो बस मोबाइल, स्कूल से आए तो मोबाइल, और उसमें मोबाइल में भी क्या गेम्स और अनाप शनाप चीज़ें देखते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी मतलब मैं भी मोबाइल देखती हूँ, सही यूज कैसे करें एक्चुअली में, तो मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि लाइक मैं भी मोबाइल देखती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल नहीं देखती, बट मैं वही मोबाइल को देख के मैंने अपना इतना अच्छा इनोवेटिव आइडिया निकाला था कि आई कैन मेक रिकॉर्ड्स बाय जस्ट यू मेक सीइंग दिस रील्स, मैं भी रील्स ही स्क्रॉल कर रही थी बट आई वाज हैविंग एन इनोवेटिव आइडिया ऑफ मेकिंग अ रिकॉर्ड, सो लाइक मैं भी उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि बस अपने टैलेंट, सबसे पहले अपना इनहेरिटेड टैलेंट ढूंढिए कि आपका कौन सा टैलेंट है, फिर उसी के ऊपर आगे बढ़िए, देखना एक दिन सक्सेस तो जरूर प्राप्त होगी ही, एंड बस मोबाइल देखिए बट उसका भी टाइम शेड्यूल बनाइए, एंड जब मोबाइल देख रहे हो तो कुछ उसमें लाइक ऐसा सोचिए कि इसका मुझे कुछ ना कुछ सक्सेस प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना मोबाइल देख के। सो या समीक्षा, इतनी कम उम्र में आपने इतनी सारी उपलब्धि हासिल की है,
कैसा महसूस करते हैं आपके पिताजी जो हैं आशीष जैन, माता रानी जैन और आपके भाई मयंक जैन, साथ ही साथ आपकी मेंटोर जो हैं मोटिवेशन स्पीकर आरती खंडेलवाल बसेरा फाउंडेशन के सहयोग से जो हैं, आप कैसे ये सारी चीजें मैनेज कर पाती हैं और इन सब का जो सहयोग है किस किस रूप में आपको मिलता है, ये थोड़े से शब्दों में आप हमें बताएं। जैसे कि मैंने कहा था, जब भी मैं थोड़ा डिसहार्टेड फील करती थी कि मैं कैसे लर्न करूंगी यही सब रील्स को, तो उसी समय मेरी मैम, मेरे पापा मम्मा एंड मेरा भाई, यह सब आके मुझे समझाते थे कि नहीं, यू कैन डू इट एंड लाइक यही सब एफर्मेशंस देते थे मुझे, लाइक मुझे पूरी पॉजिटिविटी देते थे सो दैट आई कैन मेक दिस। सो द लाइक वेरी बिग थैंक्स टू ऑल माई लाइक मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड माई मदर एंड फादर। क्या बात है आशीष जैन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ पेरेंट, आज लोग आपको आपकी बेटी के नाम से जान रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आई फील सो प्राउड। एक बाप की मंशा क्या रहती है, अपने बच्चों के नाम से जिस दिन पहचानने लग गया वो अपने आप को सबसे बड़ा प्राउड फादर फील करता है। वही एग्जैक्टली मैं फील करता हूँ। ड्यू टू माई डॉटर समीक्षा जैन, माई सन मयंक जैन, दे ऑलवेज फील मी प्राउड। इन फ्यूचर क्या प्लान है सर, अगर आपकी बेटी इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहे तो आप किस प्रकार का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मेरा सपोर्ट उसको हमेशा रहेगा, मैं हमेशा उसके पीछे खड़ा हूँ। मैंने उसको हमेशा मेरे बच्चों को यही चीज समझाया है कि आपको जो अपनी लाइफ में करना है आप आगे बढ़िए, बस उसके सही दिशा में दिखाइए, बस गलत दिशा में मत जाइए, और अच्छी दिशा में जाइए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। और उसके लिए आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, योर फादर एंड मदर इज ऑलवेज विद यू, गो अहेड। सेम यही सवाल रानी जी आपके लिए रहेगा, कैसा फील करती हैं आप, आपकी बच्ची के नाम से आपको लोग जानते हैं कि ये समीक्षा की मम्मी है? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड, और मतलब आज मैं समीक्षा को कहीं लेके जाती हूँ, कहीं डांस वगैरह में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, इसने मेरे साथ, मैं भी थी उसी डांस में, पर जब समीक्षा की बारी आई डांस के लिए तो सब कोई वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, अरे ये समीक्षा की मम्मी है जो देखो कितना सुंदर डांस करी थी, जो एक्टिंग एक्सप्रेशन है ना, इतना प्राउड फील हो रहा था, बहुत मतलब मुझे अपने डांस से आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी समीक्षा को देखने बैठ जाऊं। अच्छा, मतलब एक अभी समीक्षा की मम्मी के नाम से ही मुझे ज्यादा लगा। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है कि उसको उनके बच्चों के नाम से जाना जाए, और वो बच्चे भी बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जिनका सहयोग और सपोर्ट जो है वो समय समय पर उन्हें मिलता है। समीक्षा, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए ये रहेगा कि कुछ ऐसे खास ट्रिक्स बताइए जिससे लोग आपसे कुछ इंस्पायर हो सके, लोग जो है आपको देख रहे हैं वो कुछ सीख सके, आपसे प्रेरणा लेकर जो है वो आगे बढ़ सके। सो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि अपना इनहर्टेड टैलेंट निकालिए सबसे पहले, आपको कौन सा टैलेंट है आपके अंदर, सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो। तो जैसे मेरा टैलेंट मैंने बताया, मेरे को एक्टिंग, डांसिंग, ये सब मेरे टैलेंट्स हैं, तो कोई ना कोई आप में भी कोई ना कोई खूबियाँ होगी, उसे निहारिए और देखना सक्सेस जरूर प्राप्त होगी ही होगी। क्या बात है दोस्तों, इन बिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई थी समीक्षा आशीष जैन, जिनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हमने खास तौर पर स्टूडियो में आमंत्रित किया था, जिसके पीछे रीजन यही था कि आज हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चों में कहीं ना कोई टैलेंट तो जरूर है, लेकिन ये भी जरूरी है कि बीइंग अ पेरेंट आप अपने बच्चों को कितना समझते हैं, उनके हुनर, उनके टैलेंट को उभारने के पीछे जो है वो आप कितना एफर्ट्स लगाते हैं। आपने देखा कि आज समीक्षा आशीष जैन ने अपने पूरी कामयाबी का श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपनी मोटिवेशनल स्पीकर आरती खंडेलवाल को दिया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये खास कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपका इन बिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में स्वागत है। समीक्षा, एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सर, रानी मैम, आपका भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समीक्षा आशीष जैन, इसका इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज सभी दर्शकों को ये रिक्वेस्ट है कि इसका सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा ढेर सारा प्यार दीजिए। सो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है समीक्षा आशीष जैन, यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी एंड जस्ट लाइक योर, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 कीमती है, सो बस सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं हमारी पूरी BCM की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए था ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन BC News। नमस्कार।
वाओ ग्रेट, आप देख ही सकते हैं अभी पूरी समीक्षा का आपने इंटरव्यू देखा ही होगा एंड शी इज रियली मल्टी टैलेंटेड। और इनकी मम्मा का शुरू से एक रहता था कि मैम मल्टी टैलेंटेड है, पढ़ाई में भी बेस्ट है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन लॉकडाउन में मैं ऐसा क्या करूँ। जब मैंने पर्सनल समीक्षा से बात की तो उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा एक्टिंग एंड रील्स में। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इनर टैलेंट को निकालना है वो किसी भी चीज़ में हो। मोबाइल एडिक्शन से हटाना है, लेकिन मोबाइल छुड़ा तो नहीं सकते, बट उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छी जगह पे। तो समीक्षा को बस एक छोटा सा टास्क दिया, बेटा जो रील बनाना पसंद है ना उसी को बनाते जाओ, और उसने कर दिखाया। उसके बाद तो मुझे बोलना नहीं पड़ा, मैं भी इतना रील नहीं बना सकती, और उसने 9 मिनट के अंदर 65 रील अनबिलीवेबल बनाया। तो यहाँ पर मेंटर का काम होता है सिर्फ दिशा दिखाना और कराना, लेकिन ऐसे बच्चे कर दिखाते हैं। तो फिर से मैं चाहूंगी समीक्षा, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेट्स बेटा। थैंक यू।